नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के आरामबाग में। यहाँ पर हर वर्ष दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर आरामबाग पूजा समिति द्वारा एक भव्य विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, पिछले वर्ष इस दुर्गा पूजा का उद्घाटन स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, मगर इस बार का उद्घाटन बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं, वृंदावन की विधवाओं, बलात्कार एवं एसिड हमलों का दर्द झेल चुकी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज आरामबाग पूजा समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो आइए जानते हैं कि और क्या कहना है आरामबाग पूजा समिति के पदाधिकारियों का। कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, पूजा के दिनों में वो ये ना सोचे कि वो अबंडन है, उनके भी फैमिली है, उनके भी सबके साथ जो है ना वो आके एंजॉय करें। हमने ये सोचा है कि अष्टमी के दिन वो पूरा दिन जो है ना हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खाना भी खाएंगे और खाना बांटेंगे भी, जो हमारा भंडारा होता है सब, और पूजा के काम में भी वो हिस्सा लेंगे। उनको उनके जो पास्ट उसको जो है ना हम एक दिन के लिए कम से कम वापस देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी में कोई अपने मन से नहीं चाहते कोई प्रोस्टिट्यूट हो जाना, लेकिन सोसाइटी से कुछ कंपल्शन है कि उनको जो है ना प्रोस्टिट्यूट होना पड़ता है। उनमें से भी कुछ लोगों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आए, और समाज के सामने हम रखना चाहते हैं कि इनके जो कंपल्शन है उसको आप जो है कम करने की कोशिश करिए। जो कि जिन लोग सोसाइटी में होते हुए भी सोसाइटी के बाहर रहते हैं, उनको भी ये जो है ना महसूस हो कि हम भी सोसाइटी के हिस्सेदार हैं। इसी के साथ आप जानते हैं कि सोसाइटी में आजकल जो है 4 साल के बच्ची, 6 साल के बच्ची, 2 साल के बच्ची के साथ भी जो है ना गलत काम हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों को हम यहाँ लाएंगे जिनके साथ ये ऐसा ही काम हुआ है, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे कंपल्शन होते हैं, लोग उनके पॉइंट्स को सामने नहीं ला पाते, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग, कुछ महिलाएँ बंगाल के गाँव में जिन्होंने ये साहस, बल्कि दुस्साहस हम कहेंगे, दुस्साहस उन्होंने दिखाया है और उन्हीं रेप विक्टिम्स को सपोर्ट किया है, सोसाइटी के सामने लाए हैं, प्रेस के सामने लाए हैं, और उसके फलस्वरूप ये हुआ है कि कोर्ट ने उनको बोला है कि नहीं सरकार इसको जो है ना देखे। तो ऐसे ही लोगों को भी हम ला रहे हैं। तो हमारे ऑल आउट एफर्ट ये है कि समाज में जो एट्रोसिटीज़ हो रहा है अगेंस्ट द वोमेन, वो बाहर आए, लोगों के सामने आए, लोग इसके बारे में सोचें। हम 5 दिन खाली एंजॉयमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं एंजॉय जरूर करें, सभी करें, आप भी करें, हम भी करें, सोसाइटी, पूरी सोसाइटी एंजॉय करे, लेकिन जो सोशल एविल्स है उसके बारे में भी हम सोचें, और सोचें खाली यहाँ पे नहीं, घर पे जाके भी सोचें। क्योंकि 2013 से हम लोग पूजा के साथ कुछ ना कुछ मैसेज जो है ना देने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब आए थे, और उस साल हमने सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश करी कि वर्ल्ड पीस के ऊपर। हमारे बाहर जो इस बार जो स्कल्पचर आ रहे हैं, ऐसे स्कल्पचर था बुद्धा के, एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, ताकि इस पंडाल में एंटर करते ही जो है ना आदमी को एक वर्ल्ड पीस के बारे में सोचे, घर में पीस हो, सोसाइटी में पीस हो, देश में पीस हो, और साथ में वर्ल्ड पे पीस हो, ये लोग सोचे। उसी के ऊपर अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छे एक जो है ना स्पीच भी रखे थे, बच्चों को हम लाए थे, बच्चों के ऊपर उन्होंने बच्चों को जो है ना वर्ल्ड पीस के बारे में बहुत अच्छा जो है स्पीच दिए थे। नेक्स्ट टाइम जो है सोसाइटी में जो आसुरिक शक्ति है उसके बारे में हमने मैसेज दिया था, इस बार हम जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट वोमेन है उसके बारे में कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे मैसेज जो है, आप लोगों के सपोर्ट अगर हमें मिले, सबसे ज़्यादा जो है ना हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि पब्लिक, पब्लिक को ये जानकारी मिले कि यहाँ पे ये हो रहा है, और इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में आप लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का है, जैसे हमारे कोर्ट्स का है, और उसी तरह थर्ड पिलर जो है आपके प्रेस है। तो प्रेस के सामने हमारे जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पंडाल के बारे में, मूर्ति के बारे में, इसके बारे में अगर ना भी कहे, हमारे जो ये कॉज है, जिस कॉज के ऊपर हम पूजा कर रहे हैं, इस कॉज को आप जरूर जो है ना बताइए लोगों को, लोग आए, देखे, महसूस करें, और
अगर 1% भी सोसाइटी में सुधार हो हमारे इस थीम के वजह से, इस थीम को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के वजह से, तो हमारा पूजा जो है ना हम सोचते हैं सक्सेस हो जाएगा, और इसके लिए हम आप सबके जो है ना सपोर्ट मांगते हैं। धन्यवाद। हमारा इस बार का जो दुर्गा पूजा का थीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, नारी शक्ति के ऊपर है, उसी पर आधारित हमारा सामने का जो हिस्सा बना हुआ है जिसमें जितने भी आप स्कल्पचर वगैरह देख रहे हैं ये सारे उसी शक्ति के ऊपर मानवीय दुर्गा को लेकर आ रहे हैं हम, जो इन औरत लोग जो जिस तरह से स्ट्रगल करके अपना ज़िंदगी बिताते हैं समाज के, उन सारे दुर्गाओं को इस बार पूजा में हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और उसी के ऊपर नज़र रखते हुए ये पूरा थीम को हमने डिज़ाइन किया है। बंगाल से आपका जो कामधुनी है, कामधुनी से जो रेप लेके जो लड़ाई कर लड़ रहे हैं वो दो दुर्गाएँ आ रहे हैं यहाँ पे। आपका जिनका घर का मिट्टी के बगैर दुर्गा पूजा का ये संपन्न नहीं होता, बंगाल में जो सबसे बड़ा रेप एरिया है वहाँ से दो सेक्स वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं। एसिड विक्टिम वृंदावन का विधवा है, इनके जिंदगी के बारे में आप जानते हैं कितने कठिनाई से वो जीते हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आके दुर्गा पूजा का उद्घाटन में शामिल होंगे। हमारा घर के दुर्गाएँ जितने भी है वो उन सबको पहले स्वागत करेंगे, उसके बाद जाके हमारा माता दुर्गा का पूजा शुरू होगा। और इतना बड़ा एक थीम को हमने इसीलिए लिया है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देव देवियाँ हैं अधिकतर देव देवियाँ यहाँ औरत है, और औरत के ऊपर उसके बाद भी आज औरत के ऊपर इतने सारे कुछ जो समाज में चल रहा है तो उसी के ऊपर उसी के ऊपर नजर रखते हुए इस थीम को हमने बनाया कि कम से कम अगर यहाँ पे 1 लाख आदमी आए तो कम से कम 10 लाख आदमी के पास तो ये मैसेज पहुँच जाएगा कि समाज में इस तरह का चीज़ों के ऊपर हमें रुक के हमारा वो कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे उसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक जगह भी बनाया जहाँ पे हमने मोमबत्ती का वो रख रहे हैं कि जो भी आए इस थीम को सपोर्ट करें और इसको वहाँ पे एक मोमबत्ती जला के पूरा। और मूर्ति हमारा पर इको फ्रेंडली मूर्ति है पंडाल का, वो बंगाल से आए हुए कलाकार दिल्ली का सलील भट्टाचार्य जी का उसमें लीडरशिप में ये सारे बना हुआ है, कपड़े से लेकर सब कुछ मिट्टी का है। यहाँ पे सारे हर्बल कलर लगा हुआ है, इवन ग्लिटरिंग करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है वो भी हमने नहीं यूज़ किया, उसमें माइका को यूज़ किया है एज ए मटेरियल के तौर पर। और ये पूरा 100% इको फ्रेंडली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिल्ली शहर में शायद इतना बड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी में 2 से 2.5 लाख रुपये हम लोग खर्च करते हैं हर साल से पब्लिक का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। थाने से भी हमें बहुत दफ़ा वो किया गया है कि नहीं इतना बड़ा कोई करता नहीं है, उसका भी बड़ा अच्छा पुख्ता इंतजाम कर रखा है हम लोग। आपका यहाँ पे CCTV के अलावा फायर और एक्सटिंग्विशर के अलावा फायर सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर सब कुछ है, सब कुछ का बंदोबस्त कर रखा है। DCR न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ आफाक खान समीर, दिल्ली।